आज है डे टू इन कश्मीर। तो आज का ब्लॉग ना ब्रेकफास्ट टेबल से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद ना हम लोग गुलमार्ग के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है, आ ही रहा है बस। तो एक बार खाना खा ले उसके बाद हम लोग जो है ना गुलमार्ग जाएंगे, जैसे कि बोला आप लोगों को। तो ब्रेकफास्ट में ऑर्डर किया है चाय एंड आलू पराठा। सो यहाँ पे आ चुका है आलू पराठा। सुमित ने खाना भी स्टार्ट कर दिया है, मुझे तो 8 बजते ही भूख लग जाता है। यहाँ पे है दही, हमको दही नहीं खाना सुबह सुबह। और यहाँ पे है अचार, अचार दे दो, अचार दो। से आ गए अभी ब्रेकफास्ट करके एंड सुमित जा रहा है चेकआउट करने के लिए। मैं यहाँ पे लगेज लेके वेट कर रही हूँ, मैं भी जाती हूँ। हम लोग अभी चेकआउट करके निकल जाएंगे। ये ऐसे मतलब स्टार्ट हो जाता है हम लोग का बर्फ भरा रोड। Look at the background पीछे and this is called heaven, seriously। यहाँ पे अभी हम लोग बर्फ में इतना ज़्यादा enjoy कर रहे थे and मुझे तो literally मन कर रहा है कि यहाँ पे ही रह जाओ। बर्फ देख के खेल रहे हैं हम लोग, पानी पानी हो गया है, पूरा ठंड तो लग रहा है, लेकिन अभी ठंड लग लग के ना अभी पूरा पूरा जो है ना यूज्ड हो चुका है। हम लोग का फोटो जो है ना सब काम है, डालेंगे इंस्टाग्राम में। हाँ, इंस्टाग्राम में पोस्ट करेंगे। तो ब्लॉग तो लेट से आएगा, लेकिन इंस्टाग्राम में जाके भी आप लोग पिक्चर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आईडी नीचे मेंशन कर देंगे हम लोग। ये फीलिंग्स ना वी कैन एक्सप्लेन इन वर्ड्स। वो अभी जो पीछे जो दिखाई दे रहा है ना वहाँ पे जाएंगे हम लोग। वहाँ का व्यू जो है ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जस्ट लुक एट द व्यू, इट रियली मेसमराइज आवर आईज, राइट? इससे अच्छा फीलिंग्स और क्या कुछ हो सकती है आप लोग ही बताइए। यहाँ पे आइस में आके सो गए हम लोग और लग रहा है हेवन में है बस। मुझे गर्मी लग रहा है, जन्नत कौन देखता है, यही जन्नत है, यही सच में सीरियसली जन्नत है। चलो आज रह जाते हैं हमें ऐसा ना। फिर यहाँ से हम लोग का डेड बॉडी नहीं, अभी सोच रहे हैं हम लोग जो डल लेक में क्यों लिया, हम ही ले सकते थे ना। हर एक चीज का अब मजा जो है ना अलग अलग होता है। यहाँ पे ठंड इतना ज़्यादा है ना, तो हम लोगों ने एक मैगी ब्रेक ले लिया है यहाँ पे। तो अभी मैगी खाएंगे। लुक एट दिस, खाना है ना मैगी पहाड़ों में बर्फ में। हेलो, तो यहाँ पे मैगी और मैगी खाएंगे अभी। तो आज का रात ना हम लोग रुकने वाले हैं हाउस बोट में एंड ये रहा हम लोगों का रूम। तो
इतना ज्यादा ठंड है ना, अभी तो थोड़ा नॉर्मल लग रही है बिकॉज यहाँ पे अंदर रूम का हीटर भी ऑन कर दिया, बेड में भी हीटर है तो बेड भी गर्म हो जाएगा तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर तो बाप रे बाप इतना गर्म, इतना गर्मी बोल रही हूँ क्या बोल रही हूँ, इतना ठंड है ना मतलब बाहर भी निकल। तो मैं एक बार आप लोग को हाउस बोट का टूर दे देती हूँ। तो ये ऊपर का जो हाउस बोट पूरा बना हुआ है ना, ये सब पूरा वुडन फिनिश का है, ये सब ग्लास, हाँ वहाँ पे ग्लास का है। तो हम लोग ने बहुत सारा हाउस बोट देखा था, ये हम लोग को पसंद आ गया। तो यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है बैठने का, सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, आप लोग सामान रख सकते हैं। ये बेड है, पूरा रॉयल वाला जो फील करना चाहते हैं ना आप लोग, विंटेज वाला जो फीलिंग्स ना वो यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे वार्डरोब ऐसा बना हुआ है, बाथरूम, यहाँ पे वॉशरूम बाथरूम, तो वहाँ पे टब रहा। तो हम लोग टब में जाके अगर नहाना हो किसी को तो टब में जाके और नहाना पड़ेगा, नीचे पानी नहीं गिरा सकते। अभी बाहर आइए, बाहर का एक्सटीरियर जो है ना वो एक्सटीरियर पार्ट आप लोगों को स्लाइड वो स्ट्रेट ऐसा खोलने के बाद जो है ना ये है कॉरिडोर। यहाँ पे बहुत सारा रूम है, हम लोग सेकेंड नंबर रूम में रुके हैं ऐसा कॉरिडोर से जाने के बाद। डाइनिंग एरिया, तो ये हो गया डाइनिंग एरिया, यहाँ पे सब लोग अपना डिनर लाके या ब्रेकफास्ट या लंच जो भी हो खा सकते हैं बैठ के। कॉमन पार्ट है जो सब लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कप प्लेट वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छे से वेल डेकोरेट किया हुआ है। एंड देन उसके बाद जो है ना मेन व्यू, यहाँ पे टेबल के ऊपर भी एक अच्छा झूमर लगा हुआ है। एंड देन उसके बाद आता है हॉल रूम, सीटिंग एरिया जहाँ पे सब लोग बैठ सकते हैं, यहाँ पे बैठने का अरेंजमेंट है, ये भी कॉमन पार्ट है सब लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक झूमर लगा हुआ है एंड चारों ओर जो है ना वो हीटर दिया हुआ है। अभी मेन अट्रैक्शन जो है वो है बाहर, एंड ये जो है ये पार्ट सबसे ब्यूटीफुल है। तो यहाँ से ना स्ट्रेट आप बैठ के पूरा डल लेक का जो है ना वो डल लेक देख सकते हैं। देन वो है, हम लोग बोले थे ना कि हम लोग वो वाला रोड से है, हम लोग जो मतलब हाउस बोट लिया ना पीछे वाला भी आप लोगों को मिल जाएगा अगर कोई आते हैं तो। लेकिन मेक श्योर कीजिए कि एक ही दिन हम लोग यहाँ पे रहते हैं ना, लेकिन वो मेमोरेबल होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग हाउस बोट ऐसा लिया ना जिससे व्यू ए वाला मिले, कुछ सबका थोड़ा कॉस्ट भी शायद कम है लेकिन व्यू नहीं मिलता है, व्यू नहीं मिलता है, कुछ अंधेरा अंधेरा कुछ व्यू आएगा। ये वाला मस्त है एकदम, क्या बोलूँ मैं आपको। एंड यही था हाउस बोट का टूर आज का, रात यहाँ पे देखना लग जाएगा बैठने का है। तो आज तो देखा है आप लोगों ने, हम लोगों ने क्या क्या किया। आज का दिन हम लोग के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है बिकॉज आज है सेकेंड मंथ ऑफ आवर वेडिंग एनिवर्सरी। तो दोस्त 8 दिसंबर को हम लोग का शादी हुआ था एंड आज है 8 फेब, तो आज 2 महीना कंप्लीट हो गया हम लोगों का शादी का। तो अच्छा है, इसी बात में हम लोग यहाँ पे रहेंगे डल लेक में हाउस बोट में। एंड आज तो क्या क्या किया आप लोगों ने देखा है, हम लोग गुलमर्ग जाके भी बहुत एंजॉय किए, उसके बाद अभी ना बॉडी में इतना सा भी मतलब एनर्जी नहीं है, और भी जस्ट हम लोग को वही टाइम जो है वो स्पेंड करना है। तो अभी आज का ब्लॉग जो है ना तो मैं यहाँ पे एंड कर देती हूँ बिकॉज हम लोग को खुद के लिए भी कुछ टाइम निकलना है। तो चलिए ये ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, कल जाएंगे हम लोग पहलगाम एंड आज का ब्लॉग जो है यहाँ पे एंड करते हैं। चलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बाय बाय।